सलामी इस तिरंगे की जिससे तेरी शान है, ते सलामी इस तिरंगे की जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रहे इसका, सर ऊंचा रहे इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। स्वागत है आपका आज के हमारे 15 अगस्त के जोरदार भाषण पे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम उपस्थित हैं 15 अगस्त पे जोरदार भाषण को लेकर, जो आप सभी के अंदर जोश भर देगी, सभी को प्रेरित करेगी। तो चलिए समझते हैं किस तरह से हम कहीं पर भी किसी स्थान पे भाषण को दें। हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से, मुख्य बिंदुओं के हिसाब से भाषण को सीखेंगे कि किस तरह से हम पॉइंट टू पॉइंट भाषण को दें, कहाँ कौन से पॉइंट हमें बोलना है, कब कौन सा पॉइंट बोलना है, कहाँ हमें शायरी का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी बातों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसा आप देख सकते हो। यह है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मदद से हम पूरे भाषण को देंगे। सबसे पहले हमें शुभकामनाएं देना है, यानी जब हम 15 अगस्त पे भाषण देने के लिए उपस्थित होंगे तो सबसे पहले माइक पकड़ते हुए भी आपको शुभकामनाएं देना है, वो भी शायरी के साथ। जो भी शायरी आप यूज कर सकते हो गूगल से सर्च करके या जहां से भी, आपको शायरी को लिख लेना है और सबसे पहले उसे शुभकामनाओं के साथ प्रयोग करना है। दूसरा है जो अतिथि, जो मुख्य अतिथि आते हैं उनका अभिवादन करना है, उनका अभिवादन भी आप शायरी के साथ कर सकते हो। तीसरा है हमें शहीदों को नमन करना है, जो वीर शहीद जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम इस स्थिति में रह रहे हैं, उनके लिए हमें उनको नमन करना है, और वो भी अगर शायरी हो जाए तो बात ही अलग हो जाएगी। अगला है आपको वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना है, यानी आज की स्थिति और उस समय की स्थिति को जोड़कर आपको कुछ बातें बतानी है, और आज में अभी भी क्या किसी में हमें कोई कमी दिख रही है जिससे हमें आज़ादी की ज़रूरत है, तो उसे भी आपको जोड़कर बोलना है। फिर है आपका उद्देश्य, यानी आज के दिन आप कोई उद्देश्य कर लेते हैं, कोई प्रण लेते हैं जिसे आप भविष्य में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी मुख्य बिंदुओं के हिसाब से हम आज इस पूरे 15 अगस्त के भाषण को देखेंगे। सबसे पहले शुभकामनाएं, ये हम शुभकामनाएं देशभक्ति गीत के साथ, ज़्यादातर देशभक्ति शायरी का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, आपके भाषण और अट्रैक्टिव होंगे, लोग और गौर से आपकी बातों को सुनेंगे, प्रेरित होंगे। तो बुलंद आवाज़ के साथ, पूरे जोश के साथ अपने बातों को आपको रखना है। इसी के साथ कुछ और बता दें कि कोई भी अगर बात बोलते समय अगर आप भूल जाएं तो फिर बार बार उसको रिकॉल नहीं करना है, यानी बार बार उसे दोहराने की कोशिश नहीं करनी है। वहीं से आप अगर बात नहीं भूल गए हो तो वहां से एक शायरी नया आप स्टार्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, घबराना नहीं है, और आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरह से हम बोलेंगे। सबसे पहले शुभकामनाएं, मैंने यहाँ एक छोटी सी शायरी लिखी हुई है जिसकी मदद से आप भाषण को बोल सकते हो। देश के हर कोने में आज़ादी की गूंजे सहनाई, देश के हर कोने में आज़ादी की गूंजे सहनाई, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हो, अपने अलग शायरी आप भी लिख सकते हो, खुद भी लिख सकते हो, या गूगल से आप सर्च करके वहां से भी आप राइट कर सकते हो। तो ये आपको अट्रैक्टिव लगेंगी कि सबसे पहले आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद जो आपके वहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे उनका सम्मान करना है। तो आदरणीय प्रधानाचार्य या जो भी आदरणीय मुख्य अतिथिगण या प्रधानाचार्य, अगर स्कूल का कार्यक्रम है तो वहाँ प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावक एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ा ही पावन है। इस दिन के लिए हमारे वीरों ने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया। तो यहाँ पर मैंने पूरे स्पीच को लिखा है, भाषण को लिखा है, मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करूँगा, आप मेरी बातों को गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी एक आइडिया होगा कि किस तरह से हमें भी बोलना है। अगला है, अपनी नींदों को छोड़कर हमारी नींदों के लिए सोचा, खुद भूखे पेट रहे, घास की रोटियां तक खाएं, कई दिनों तक उपवास रखा, यह सब किसके लिए? निसंदेह हमारे लिए, भारत माता के लिए, जो कभी अंग्रेजों के जंजीरों से जकड़ी हुई थी, उन्होंने स्वतंत्र कराया और स्वराज लाया। इस तरह से आप बोल सकते हो, अपने अंदर जोश खुद रखो तो आपको बोलने में मजा आएगा, आप बिना डरे और बिना घबराहट के बोल सकते हो। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं, सुनहरा रंग है गणतंत्र स्वतंत्रता का,
शहीदों के लहू से, ऐसे शहीदों के सामने हम सब सिर झुकाते हैं, हम सब सिर झुकाते हैं। यहाँ पर हमें शहीदों को याद करना है, उनके लिए भी आप शायरी लिख सकते हो, अलग अलग शायरी जो उनके लिए सुटेबल हो और उन्हें हम अच्छी तरह से याद कर सकें। अगला है हमारा इसी में, सत सत नमन उन वीर शहीदों को और उन सभी हमारे सीमा प्रहरियों को जो दिन रात अपनी नींद को छोड़कर हमारे नींदों के लिए सरहदों पर हमारे लिए डटे हुए हैं। यानी यहाँ पर आप जो हमारे आर्मी वगैरह हैं, जो हमारे पारामिलिट्री फोर्स हैं या जितने भी फोर्स हैं हमारे भारत में मौजूद, उन सभी के लिए आप कुछ लाइनें बोल सकते हो, क्योंकि वो आज हैं तो ही हम यहाँ हैं। वो अपने अलग अलग बॉर्डर्स पर उपस्थित हैं, जिनके वजह से हम आज सेफ्टी से रह रहे हैं। इस तरह से आगे हम बोल सकते हैं, उनके लिए जो हमारी रक्षा कर रहे हैं सरहदों पर, कभी ठंड में टुटुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना। जी हाँ, तो ये है हमारे उन वीर सीमा प्रहरियों के लिए जो दिन रात हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए डटे हुए हैं, वे किसी भी मौसम में डटे हुए हैं। आगे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आज भले ही हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत सी चीज़ों में स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। आज हमें रूढ़िवादी सोच, यानी जो पुराने बातें हैं, पुराने सोच के लोग हैं कि ये चीज़ अभी भी नहीं होना चाहिए, जो स्त्रियां हैं उनको अभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, उनको घर में ही रहना चाहिए, तो इस तरह की रूढ़िवादी सोच से हमें स्वतंत्रता की जरूरत है। जो हमारे सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे आपका हो गया दहेज प्रथा, ओके, इस तरह की जो कुरीतियाँ समाज में मौजूद, उनको, उनसे हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आगे आपसी भेदभाव से स्वतंत्रता की जरूरत है, यानी हमारे बीच सभी अलग अलग धर्मों के बीच जो भेदभाव पैदा किया जा रहा है कुछ चरमपंथियों, उस तरह के लोगों के द्वारा जो आपसी एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भड़का रहे हैं, उनसे हम स्वतंत्रता की आवश्यकता है, उन लोगों से स्वतंत्रता की आवश्यकता है, उन विचारों से स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जरूरत है एकता की, मानवता की और सकारात्मकता की। जी हाँ, एक हम रहेंगे, हमारा देश एक रहेगा, खंड रहेगा, हमारे अंदर मानवता रहेगी, हम किसी दूसरे व्यक्ति की जात धर्म ना देकर उसकी मदद कर सके, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। ये सारे चीज़ें हमें, अगला है, आप सिर्फ एक दिन के मोहताज नहीं हैं, देशभक्ति नागरिकों की एकता ही है देश की असल शक्ति। क्या बोला है कि सिर्फ एक दिनों के मोहताज नहीं है देशभक्ति नागरिकों की एकता ही है देश की असल शक्ति। जी हाँ, सिर्फ आज के दिन हम यहाँ पर मौजूद हैं झंडे को फहराने के लिए, तो आज के दिन हमारे अंदर देशभक्ति भावना नहीं जगनी चाहिए, बल्कि हमेशा हमारे अंदर अपने देश के प्रति सम्मान रहना चाहिए, देशभक्ति बनी रहनी चाहिए। जी हाँ, हम सभी धर्मों के लोग आपसी एकता के साथ देश को समृद्ध और अखंड बनाएं, ऐसी विचारधारा हमारे अंदर होनी चाहिए। उस तरह से हम आज शपथ लें, इस दिन आप कुछ भी वैसे एक शपथ के रूप में बोल सकते हो कि हम आज शपथ लें कि हर वो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम करेंगे जो हमारे देश की उन्नति में सहायक हो सकती है, खुद आगे बढ़ेंगे और ज़रूरतमंदों को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो भी जिनको भी मदद की ज़रूरत हो, हम उनका हाथ, हम अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। यहाँ पर आप इसी उद्देश्य के साथ, इसी जोश के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत बोल के आप अपना भाषण संपन्न कर सकते हो। ये एक छोटा सा भाषण है और इस छोटे से भाषण में आप और बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, अलग अलग शायरी अलग अलग जगहों पे आप ऐड कर सकते हो और जोशीली बातों से दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग साइड में आप देख सकते हो, इसे आप पॉज करके और राइट भी कर सकते हो, अलग अलग स्लाइड में भेज रहा हूँ, या मैं डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ भी दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इन सभी लिखे हुए जो हमारे भाषण है उसको आप समझ सकते हो और अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो या कुछ हटा सकते हो। तो इसी तरह के जोशीले बातों के साथ, इसी एकता के साथ, इसी भाईचारे के साथ एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।